लेकिन जब हमारे पे बात आई कि हमारी कुछ चीजें हाईलाइट हुई तो हमने डोमेस्टिक का रास्ता अपनाया, हमने वहां पे रगड़ा खाया जहां पे आप लोग दो मैच नहीं खेलना चाहते। आपके इस टोले का कोई भी प्लेयर हो जिसको दो मैच डोमेस्टिक के खेलने पड़ जाए तो वो फिजियो से रिपोर्ट बनाता है और बाहर चला जाता है, और जैसे ही पीएसएल और पाकिस्तान की क्रिकेट आती है आप लोग फिर दोबारा से फिट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने डोमेस्टिक का इस तरह कत्लेआम किया है। तो अब मसला ये है कि जो आपकी गेम है बाबर, ये स्टैट्स जो आपके बताते हैं ना रिजवान भी, आप लोग दुनिया से पीछे रह गए। वो पुरानी क्रिकेट थी जो आज से 4 साल 5 साल पहले हो रही थी, आप स्टबन बने रहे, आपने वक्त के साथ साथ इवॉल्व और इंप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से अब दुनिया की क्रिकेट कहां चली गई है और आप लोगों की क्रिकेट कहां पे चली गई है। अब ये हाई टाइम है आप लोगों का कि आप ये जो 4-5 का टोला है, ठीक है जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को डोमेस्टिक में वापस आना है। सबसे पहले आपने देखे, हमने 3-3 साल डोमेस्टिक में लगाए, आप हमारी फिटनेस देखिए, आप हमारी कमिटमेंट देखिए, जो चीज पे हमें लगता था कि हमारे यू नो क्रिटिसिज्म है हमने उसको इंप्रूव करने की कोशिश की, वो गलतियां भी मानी जो हमने कभी की नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने ये बताया था कि आपने अपनी गलती देखनी है, आपने अपने आप को इंप्रूव करना है, आप दुनिया को छोड़ दें वो क्या कह रही है, हमने ये बात भी मान ली। हम वापस डोमेस्टिक में गए, 3 साल से उन चीजों पर काम किया, इंप्रूव किया जिस पे हमें लग रहा था कि दुनिया कह रही है, लोग कह रहे हैं, सीनियर्स कह रहे हैं कि ये चीजें ठीक होने वाली है। तो अब आपका ये टाइम है, आप जाइए वो कासिम अकरम या इस तरह के कैप्टन के अंदर खेलिए जाके, वो जो कोचेस डोमेस्टिक में लगते हैं आप उनके अंदर जाके खेलिए, और जो आप में गलतियां आपका स्ट्राइक रेट जिस तरह द वे ऑफ प्ले, आप अपनी शॉट्स डेवलप करें, आप अपने स्ट्राइक रेट पे काम करें, सबसे पहले यहां से माने, वो आप मान लेंगे जब आप डोमेस्टिक में वापस आएंगे, जब आपको अब सबको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी ना। अब यहाँ 2-3 साल आप डोमेस्टिक में लगाए और जो आप पे आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब वहां पे जाके चीजों पर आप काम करें, आपका टाइम आ गया।